अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान तारिक है और मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ स्पीडी यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के अंदर। हमारी सोसाइटी के अंदर और मेरी बिलोंगिंग्स के अंदर और सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रिसर्च के रिगार्डिंग। रिसर्च थीसिस लिखना हो, रिसर्च पेपर लिखना हो, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसकी कई वजूहत हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीज़न है वो लैक ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग रिसर्च। जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, या जो टीचिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनको फर्स्ट टाइम के अंदर ग्रैस्प कर पाएँ। और एक दूसरी बहुत बड़ी वजह एक स्टूडेंट का और सुपरवाइज़र का रिलेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रोसेस के अंदर। तो उसका भी अपना रोल है कि वो भी इतना बेहतर नहीं होता हमारी सराउंडिंग्स में या हमारे बहुत से इंस्टीट्यूशंस के अंदर। उसकी में दोनों एंड पे लैक हो सकता है, एक सुपरवाइज़र के एंड पर भी, एक स्टूडेंट के एंड पर भी, बट द थिंग्स मस्ट गेट सॉल्व। इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए और हमारी यंग जनरेशन को रिसर्च के लिए कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए मैंने ये एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने का इरादा किया है। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स होंगे और इन 15 लेक्चर्स के अंदर आपको रिसर्च थीसिस या रिसर्च पेपर लिखना सिखाया जाएगा फ्रॉम द स्क्रैच टूवर्ड्स द एंड। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनमें टॉपिक सिलेक्शन, देन मेकिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल, देन स्टार्टिंग अ थीसिस, देन डिफरेंट सेक्शंस एंड चैप्टर्स ऑफ थीसिस, देन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, तो डिफरेंट तरह के इसमें सेशन सारे के सारे मौजूद होंगे जो कि आपको असिस्ट करते रहेंगे इस पूरे रिसर्च प्रोसेस के अंदर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो टॉपिक सिलेक्शन है। टॉपिक सिलेक्शन का ये सेशन जस्ट एक सेशन के अंदर ख़त्म नहीं होएगा, ये 3 सेशंस तक जारी रहेगा। तो आज हम बेसिकली टॉपिक को सिलेक्ट करना क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मुश्किलात क्या पेश आती हैं, एक अच्छे टॉपिक की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, और एक टॉपिक के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, हम इन चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक रिसर्च टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। हम नॉर्मली देखते हैं कि या सुनते हैं कि एक कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लेना उसका हाफ सोल्यूशन होता है। तो द सेम गोज़ विद द रिसर्च टॉपिक। अगर हम एक अच्छा रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई कर लें और या हम डिसाइड कर लें और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, तो हमारे बहुत से रिसर्च प्रॉब्लम्स, पूरा रिसर्च प्रोसेस हमारे लिए लाइक अ पीस ऑफ केक हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया होता है उसका हमें मुकम्मल तौर पे आइडिया होता है और उस पर हमने किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया होता, बिकॉज़ वो शायद हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी लिंक करता हो, शायद हमारी पर्सनल लाइकिंग का कोई कंटेंट हो हमारे कोर्स के अंदर जो हमने ओवर द एजुकेशन ऑफ 14 ईयर्स और 16 ईयर्स और 18 ईयर्स हमने पढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से टॉपिक को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स बाज़ ये समझते हैं कि शायद ये 2 लाइंस हैं तो हम इन 2 लाइंस पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, लेकिन ये वही 2 लाइंस हैं जिसकी वजह से आपको मुकम्मल प्रोसेस जो थीसिस का है या पेपर का है उसको कंप्लीट करने के अंदर मदद मिलती है। सो इसको इजी मत लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक अच्छा टॉपिक आप डिसाइड नहीं कर पाते, सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो आपको बार बार उन हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा जिनको आप अवॉइड कर सकते थे एक अच्छा रिसर्च टॉपिक डिसाइड करके। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स आर मेन टॉपिक, कि इसकी इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये क्रक्स है क्या नाम है पूरी की पूरी रिसर्च का। अब इस चीज़ पर आते हैं कि एक रिसर्च टॉपिक होता क्या है या वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। आपको एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं इसके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उसको अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर पाएँ। लेट मी शो यू सम रिसर्च पेपर सो यू कैन ईजीली ग्रैस्प इट व्हाट इज़ अ रिसर्च टॉपिक। ओके, लेट मी bring you to some downloads or papers. Okay, here I have a research paper. I will turn off my video for a while. Okay, this is a paper from Emerald Insight. It is a very good publisher, बहुत popular publisher है उसका, ये एक paper है और यहाँ पर हम इस research paper का title मौजूद है। Let me zoom it for you a little, if you can see it clearly now. Okay, I will insert it for you ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा रिसर्च टॉपिक है। इसका रिसर्च टॉपिक द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू टाइप्स ऑन कस्टमर आउटकम्स फॉर डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स। एक टॉपिक
मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बन सकता है। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नंबर वन, वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। नंबर टू, हमें सेक्टर का या कंट्री का बताया जाता है। इसी टॉपिक के अंदर किसी सेक्टर या कंट्री का नाम हो सकता है। नंबर थ्री, किसी मेथड का नाम हो सकता है, लाइक SEM है, लाइक यू कैन से PLS है, पार्शल ली स्क्वेयर है, इसका नाम हो सकता है। अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपकी डिटेल उसके बाद समझाऊंगा। एंड नंबर फोर, किसी थ्योरी का नेम इसमें शामिल हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमारे पास, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। नंबर वन, कस्टमर वैल्यू टाइप्स, कस्टमर आउटकम्स। ये दोनों चीज़ें हमारे पास वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एक का इम्पैक्ट दूसरे पे देखा जा रहा है। अब मैं आपको वेरिएबल्स को डिफाइन करूँगा बिल्कुल सादा अल्फाज में। ऐसा कंसेप्ट या ऐसी चीज़ जो कि ओवर द टाइम या किसी की मौजूदगी या किसी की प्रेजेंस की वजह से चेंज हो सकती हो और जो कांस्टेंट ना हो, उस चीज़ को वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स हमारे पास इस जगह पे दो दिए हुए हैं, कस्टमर वैल्यू टाइप्स हैं और कस्टमर आउटकम्स हैं। इनकी कोई फर्दर डायमेंशंस हो सकती हैं, लेकिन टॉपिक ने हमें बता दिया चूंकि द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू टाइप्स ऑन कस्टमर आउटकम्स, तो ये दो वेरिएबल थे फॉर डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स। ओके, सो दिस रिटेल वर्ड इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग द सेक्टर कि हमने जो रिसर्च करनी है वो रिटेल स्टोर्स के ऊपर करनी है। तो हमारे पास इस टॉपिक के अंदर ये पहली चीज़ वेरिएबल भी मौजूद है और नंबर टू सेक्टर भी मौजूद है। इसमें मेथड नहीं बताया गया हुआ, इसमें थ्योरी नहीं बताई गई हुई। तो ये चीज़ें तो हमने क्लियर कर ली कि हमारे पास इस एक पॉर टॉपिक के अंदर किससे बनता है। तो एक टॉपिक इन चार चीज़ों से मिलकर बन सकता है, नंबर वन वेरिएबल्स, नंबर टू सेक्टर, नंबर थ्री मेथड एंड नंबर फोर थ्योरी। लेकिन जो ये टॉपिक है ये इन दो चीज़ों से मिलकर बना है जो कि वेरिएबल और सेक्टर है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है द इम्पैक्ट, कि ये एक कॉज एंड इफेक्ट स्टडी है। और लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू कि इसको हम अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो ये एक रिलेशनल या कोरिलेशनल स्टडी है, जिसमें हम दो चीज़ों को रिलेट करने जा रहे हैं और एक का दूसरे पे इम्पैक्ट देखने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये वर्ड इम्पैक्ट यूज़ हुआ हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़ हुआ होता अ डिटेल रिव्यू ऑफ कस्टमर वैल्यू टाइप्स एंड कस्टमर आउटकम्स फॉर डिफरेंट रिटेल सेक्टर्स, तो ये कोरिलेशनल नहीं, ये एक रिव्यू स्टडी होती जिसमें हम सिंपल इन दो वेरिएबल्स के ऊपर जितना भी डाटा था उनको हम डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर द इम्पैक्ट एक स्टडी की टाइप भी बताता है और ये टाइप बता रहे हैं कि ये कोरिलेशनल स्टडी है। तो अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ कंपोनेंट ऐड करना चाहूँ तो वो स्टडी टाइप भी हो सकता है। इन चीज़ों से मिलके एक रिसर्च टॉपिक बनता है। अभी हम आपके रिसर्च टॉपिक की तरफ आए नहीं, हम जस्ट रिसर्च टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं। इस रिसर्च टॉपिक के अंदर एक प्रॉब्लम छुपी होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम के अंदर, उसकी डेप्थ के अंदर नहीं हम जाएंगे अभी, क्योंकि वो हम जब इंट्रोडक्शन का सेक्शन डिस्कस करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा इस चीज़ को अरेज करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक रिसर्च टॉपिक इन पाँच चीज़ों से मिलकर बनता है, वेरिएबल, सेक्टर, मेथड, थ्योरी एंड स्टडी टाइप। द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू टाइप्स ऑन कस्टमर आउटकम्स फॉर डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स, इसके अंदर हमारे पास ये सेक्टर है और ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये स्टडी टाइप है। लेट मी अरेज इट फॉर यू सो हम आगे मूव कर सकें। हमने एक वर्ड यूज़ किया कि इसमें वेरिएबल्स शामिल हैं। एक रिसर्च के अंदर मैक्सिमम कितनी तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च के अंदर और टॉपिक्स के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जो मेजॉरिटी वेरिएबल्स हैं, जो मेजर टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, वो हमारे पास फोर टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहला वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे बोलते हैं। जो सेकंड टाइप होती है हमारे पास उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो थर्ड टाइप हमारे पास होती है उसे मीडिएटिंग वेरिएबल बोलते हैं। एंड जो फोर्थ टाइप हमारे पास होती है उसे मॉडरेटिंग वेरिएबल बोलते हैं।
ये चार टाइप्स मेजर टाइप्स हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, बट लेट मी राइट इट फॉर यू हियर। नंबर 5 पे हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, नंबर 6 पे हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, सो दीज 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैन बी देयर। नंबर 1 इंडिपेंडेंट, नंबर 2 डिपेंडेंट, नंबर 3 मीडिएटिंग, नंबर 4 मॉडरेटिंग, नंबर 5 कंट्रोल एंड नंबर 6 एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सॉरी फॉर द पुअर हैंड राइटिंग बट एज दिस वीडियो हैज़ बीन मेड ऑन मोबाइल सो दिस काइंड ऑफ हैंड राइटिंग इज मस्ट बी टू बी देयर। सो इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम की तफसील बताऊं, ज़रूरी नहीं होता कि हर टॉपिक के अंदर ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स मौजूद हों। इनमें से कुछ वेरिएबल्स मौजूद हो सकते हैं, कुछ मौजूद नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्टडी के अंदर हमें दो तो एक्सप्लिसिटली नज़र आ रहे हैं, कस्टमर आउटकम्स और कस्टमर वैल्यू टाइप्स। ओके, किस तरह से, पहले मैं इनको आइडेंटिफाई कर लूँ, आपको डिफाइन करके बता दूँ कि होते क्या हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो तमाम दूसरे वेरिएबल्स पर अपना इफेक्ट डालता है, या मीडिएटिंग या डिपेंडेंट पे अपना इफेक्ट डालता है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो तमाम पे इम्पैक्ट डाल सकता है दूसरे वेरिएबल्स पर, तो उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जबकि ये हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। देन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पर इफेक्ट डाला जाता है लेकिन वो किसी पर इफेक्ट नहीं डाल सकता, उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देन हमारे पास है मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होते हैं, तो क्या नाम है ये, हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल है। मीडिएटिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो दो वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान आ जाते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं और ज़िद करते हैं कि पहले इंडिपेंडेंट मुझ पे इफेक्ट कास्ट करे और फिर मैं आगे डिपेंडेंट पे कास्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वेरिएबल ए है और ये एक वेरिएबल बी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले लाइन इस तरह से ड्रॉ थी, ये इनके दरमियान हम इफेक्ट देख रहे थे, एक ज़िद करके अंदर वेरिएबल आ जाता है, ओके नो कि मैं इफेक्ट कॉज करूँगा तो तुम आगे उस पर करना, एक्स आ गया। नाउ दिस एक्स इज़ मीडिएटिंग वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जो इंटरफेरेंस करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान, उसे मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं, उसे इंटरफेयरिंग वेरिएबल भी कहते हैं। वो कहता है कि इंडिपेंडेंट पहले मुझ पर इफेक्ट कास्ट करे, मैं आगे डिपेंडेंट में कास्ट करूँगा, ओके वो अलाउ करता है ए को बी पर डायरेक्ट इफेक्ट करने के लिए भी, लेकिन वो बाद में पता चलता है जब हम एनालिसिस करते हैं कि आदर इट इज़ अ फुल मीडिएशन और पार्शल मीडिएशन। तो अभी के लिए जो कंसेप्ट है वो मीडिएटिंग वेरिएबल का, कि आया कि ये इसे इंटरफेयरिंग वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये ए और बी के दरमियान आ जाता है। अगर हम अपना ये टॉपिक देखें जिसको हम अभी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई मीडिएटिंग वेरिएबल का जिक्र फिलहाल टॉपिक के अंदर नहीं किया गया हुआ। हाँ, लेटर ऑन जब हम इसका मॉडल देखेंगे तो शायद इसमें मीडिएटिंग वेरिएबल मौजूद हो, इट इज़ नॉट दैट मच श्योर कि इसमें वक्त मीडिएटिंग वेरिएबल मौजूद है कि नहीं मौजूद। सो कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट अगेन, हमने मीडिएटिंग को भी डिस्कस कर लिया, नाउ कम्स मॉडरेटिंग। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो किसी रिलेशनशिप के दरमियान तो नहीं आता, किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान में आके खड़ा नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से उन दो वेरिएबल्स का आपस में जो इफ़ेक्ट है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। हम एक सादा सा एग्जांपल देते हैं, अगर एक स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, दोनों फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट ए का दिल कर रहा है कि वो पंच करे बी को, अगर टीचर मौजूद नहीं है तो वो आराम से पंच कर लेगा, लेकिन अगर टीचर क्लास के अंदर मौजूद है तो स्टूडेंट ए कहेगा नहीं मैं पंच नहीं करता टीचर, तो टीचर उन दोनों के ए और बी के दरमियान नहीं आया लेकिन जस्ट उसकी मौजूदगी की वजह से वो मुक्का नहीं मार सका, तो दैट्स कॉल्ड मॉडरेटिंग वेरिएबल। और अगर आपका केमिस्ट्री का नॉलेज है, किसी ने FSC में या इंटर में या मैट्रिक में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसमें कैटालिस्ट वेरिएबल होता था, केमिकल के ऐसा केमिकल जो केमिकल के अंदर जो रिएक्शन के अंदर शामिल तो नहीं होता लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से रिएक्शन तेज़ या स्लो हो जाता है, तो उस चीज़ को मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए स्टूडेंट था, ये बी स्टूडेंट था, अब यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करेंगे और ये सी, दिस इज़ मॉडरेटर। अब आप देखेंगे वो यहाँ पर दरमियान में नहीं आया लेकिन उसने जस्ट अपना इम्पैक्ट कास्ट किया इसके दरमियान, तो इस वजह से इसे मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करता, जस्ट मॉडरेट करता है उस रिलेशनशिप को। ये हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, उसके बाद हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स बेसिकली हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं।
बेसिकली सोशल साइंसेस वालों पे अक्सर तनकीद की जाती है नेचुरल साइंसेस वालों की तरफ से कि आपने अपना इन्वायरमेंट नॉन कंट्राइव रखा होता है, कि आप बिल्कुल खुलेआम रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को फिक्स नहीं कर रहे, किसी चीज़ को कैद नहीं कर रहे, किसी चीज़ को रोक नहीं रहे। तो इतने नेचुरल इन्वायरमेंट में करने से रिजल्ट जो में बायसनेस आ जाती है, तो कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए ताकि रिजल्ट्स में बायसनेस ना आए। जितना एक लैब के एनवायरनमेंट के अंदर हर चीज़ टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करके कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसी तरीके से ये जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं ये डिमांड करते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करके किया जाए। ओके, किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल वेरिएबल के अंदर लाइक स्टडी के अंदर एक सेक्टर रिटेल, ये कंट्रोल वेरिएबल है कि हम सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन लेंगे जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं द इम्पैक्ट ऑफ फीमेल कस्टमर वैल्यू टाइप्स ऑन फीमेल कस्टमर आउटकम्स, तो ये फीमेल जेंडर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम कोई फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ओके वी विल ओनली टेक दोज ऑर्गेनाइजेशंस इन कंसिडरेशन कि जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है या जिनको वजूद आए हुए 5 साल हो गए हैं, ठीक है ना। तो अगेन हम ऑर्गेनाइजेशनल एज को एज अ कंट्रोल वेरिएबल ले रहे हैं। सो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी देयर, तो इन्हें कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। ये ज़्यादातर डेमोग्राफिक होते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट होते हैं। लास्ट वेरिएबल्स हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अपनी स्टडी के अंदर शामिल नहीं करते। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमारे पास अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए एक थोड़ा सा एंड ज़्यादा टाइम नहीं होता, हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है। उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हम लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ही कैटर कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हमें कुछ वेरिएबल्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना होता है और हम उनको नहीं लेते स्टडी के अंदर। तो उस तरह के वेरिएबल्स को एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। तो हमने इन चार इन छः के छः टाइप्स को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये होते क्या क्या हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सी कि हमारी स्टडी के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स मौजूद हैं। ओके, ज़रूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम वेरिएबल्स का टॉपिक के टाइटल के अंदर ही बता दिया जाए, क्योंकि बाज़ का टाइटल थोड़े मुबहम भी होते हैं, बाज़ का टाइटल थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं होते। तो अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि टॉपिक होता क्या है, तो हम अभी अपना एक अच्छे टॉपिक की तरफ नहीं है, एक अच्छा टॉपिक इस तरह से बनता है। तो लिहाजा इसके अंदर कौन से वेरिएबल मौजूद हैं? द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू, यानी कि कस्टमर वैल्यू टाइप्स किसी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये हमारे पास IV है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डाल रहा है? ऑन कस्टमर आउटकम्स, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स, मतलब कि ये इस इम्पैक्ट को चेक करने के लिए रिटेल फॉर्मेट को डिफरेंट कर कर के देखेंगे, और ये रिटेल फॉर्मेट इनके दरमियान नहीं आ रहा, ये डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, तो एक आइडिया है कि ये डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स जो से हैं, इसमें रिटेल सेक्टर तो है ही है, लेकिन ये डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स इटसेल्फ एक मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा। अब इसमें हमारे पास ये तीन तरह के वेरिएबल मौजूद हैं, ना इस टाइटल के अंदर किसी कंट्रोल वेरिएबल का जिक्र है, ना किसी मीडिएटिंग का जिक्र है, और ऑब्वियसली एक्सट्रेनियस का तो होगा भी नहीं। तो ये तीन तरह के वेरिएबल्स इस टॉपिक के अंदर फिल वक्त मौजूद हैं जो हमें टाइटल से पता चल रहे हैं, लेकिन ये बाद में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो हमने देखा कि एक टॉपिक क्या होता है जो वेरिएबल सेक्टर किसी मेथोडोलॉजी किसी थ्योरी से मिलके बनता है, और क्या नाम है उसमें से, इसके अंदर हमारे पास एक सेक्टर गिवन है और एक हमारे पास वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स गिवन है, इनको देख लिया कि इसे हम रिसर्च टॉपिक कहते हैं। नाउ एक रिसर्च टॉपिक के दौरान मुश्किलात कौन कौन सी पेश आती हैं, हमें ये भी देखना है। जो रिसर्च टॉपिक के दौरान सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है वो ये होती है कि किस तरह से सुपरवाइज़र को इंगेज किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर शिकायत करते हैं कि स्टूडेंट्स के सुपरवाइज़र टाइम नहीं देते, सुपरवाइज़र के पास टाइम नहीं होता, सुपरवाइज़र हमारी बात नहीं सुनते, हमें प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च की जाए जो आपका और आपके सुपरवाइज़र का म्यूचुअल इंटरेस्ट हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बेस पे करेंगे रिसर्च, तो आपके सुपरवाइज़र कम्प्लीटली डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है आपके साथ मिलकर काम करने की। आपको बहुत ही ट्रिकी प्ले करना होता है अपना टॉपिक डिसाइड करते वक्त, अपना इंटरेस्ट और अपने सुपरवाइज़र का इंटरेस्ट दोनों को मेंटेन रखकर एक टॉपिक डिसाइड करना होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये पेश आती है स्टूडेंट्स को कि टॉपिक डिसाइड कहाँ से किया जाए, क्या कोई भी टॉपिक ले सकते हैं हम अपनी मर्जी का, या उसका कोई सोर्स होता है, या कोई प्रीवियस टॉपिक को चेंज कर लिया जाए। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो अराइज होते हैं ये उनकी कॉम्प्लिकेशन में इजाफा कर देते हैं। और लास्ट में टॉपिक
टॉपिक क्योंकि दो लाइंस का होता है तो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते इस टॉपिक के ऊपर अपना टाइम सर्व करने में, तो वो इनकी जो ये शॉर्ट टेम्परामेंट होता है रिगार्डिंग टॉपिक सिलेक्शन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इट इज़ नेसेसरी कि अपना टेम्परामेंट टॉपिक सिलेक्शन के वक्त लूज़ ना करें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर मेन टॉपिक कि एक अच्छा टॉपिक होता कौन सा है। एक अच्छे टॉपिक के अंदर हमारे पास तीन तरह की करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और वो तीन तरह की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती हैं? उन तीन तरह की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास नंबर वन कि वो नॉवल हो। नॉवल मीन्स कि वो एक यूनिक टॉपिक होना चाहिए। यूनिक मीन्स कि जिस पर आज से पहले किसी किस्म का काम ना किया गया हो। आपने कोई भी रिसर्च करनी हो, चाहे एक रिसर्च पेपर लिखना हो, चाहे वो एक सेमेस्टर में पास होने के लिए, चाहे वो अपने टीचर को हैप्पी करने के लिए, या वो कोई रियल कंट्रीब्यूशन है, या आपने रिसर्च थीसिस लिखना है जो आपकी डिग्री की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है, या किसी भी और तरह के आपने रिसर्च करनी है, अगर आपका टॉपिक नॉवल या यूनिक नहीं है तो आपकी रिसर्च मीनिंगलेस है अगर वो ऑलरेडी किसी ने की हुई है। नॉवल और यूनिक होने का मकसद ये है कि वो काम आज से पहले किसी और ने ना किया हो, और अगर वो आज से पहले किसी और ने काम किया है तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ योर रिसर्च। हाँ, इस नॉवल्टी की बहुत लिमिटेड एक्सटेंट भी हो सकती है और बहुत बड़ी एक्सटेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉवल्टी कोई इसी को भी कह सकता है कि अच्छा, फलां स्टडी इंग्लैंड के अंदर कंडक्ट की गई, मैं पाकिस्तान में कंडक्ट कर रहा हूँ। फलां स्टडी रिटेल सेक्टर पर कर गई, मैं टेक्सटाइल सेक्टर पर कर रहा हूँ। फलां स्टडी होटल्स पर की गई, मैं हॉस्पिटल्स पर कर रहा हूँ। या फलां स्टडी अच्छा, इससे बड़ी क्या आ जाती है, अच्छा जी, फलां स्टडी ने फलां मेथडोलॉजी यूज़ की, मैं फलां मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। फलां स्टडी ने क्वालिटेटिव की, मैं क्वांटिटेटिव कर रहा हूँ। फलां स्टडी ने क्रॉस सेक्शनल की, मैं लॉन्गिट्यूडनल कर रहा हूँ। लेकिन जो सिग्निफिकेंट गैप होता है और नॉवल्टी आती है वो वेरिएबल्स को चेंज करने से आती है, कि हम किसी इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को, मीडिएटिंग को या मॉडरेटिंग को, जो एग्जिस्टिंग स्टडी के अंदर मौजूद थे, हम उनको चेंज करेंगे और कोई इस तरह का गैप फुलफिल करें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस तरह का गैप फुलफिल नहीं करते तो स्टडी तो हो जाएगी, उसमें तो मसला नहीं है, लेकिन एक अच्छी स्टडी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नंबर टू, आपके टॉपिक के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। लेट मी राइट इट फॉर यू। क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब कि अगर उसको कोई यू कैन से कि एक नाइव पर्सन, लेमैन, अगर उसको रीड करे तो उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा, इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम क्या क्या चीज़ गिवन होएगी, या ये किस चीज़ के मुतलिक टॉपिक है। अगर वो एम्बिगुअस हुआ तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये टॉपिक किस चीज़ के मुतलिक है, देन ही और शी विल नॉट बॉदर टू रीड दैट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिसर्च पढ़ी जाए तो आपका टॉपिक बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी मौजूद होनी चाहिए। देन एट द थर्ड प्लेस, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव। आपका टॉपिक अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें किसी किस्म उसमें कुछ हमारे पास टिपिकल वर्ड्स चलते हैं और हम उसको खुद भी फॉलो करते हैं। वी आर द ऑल्सो द कल्प्रिट्स ऑफ दोज वर्ड्स। लाइक द अभी हमने जो टॉपिक देख रहे थे, लाइक आप ये देखें, द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर वैल्यूज टाइप्स, ठीक है ना। तो द इम्पैक्ट ऑफ, द इन्फ्लुएंस ऑफ, द इफेक्ट ऑफ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स चलते हैं जो बार बार चलते रहते हैं। तो इस तरह के अगर वर्ड्स होंगे तो सब उनको कॉमन समझेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी अगर आपका होगा, लाइक फॉस्टरिंग द क्रिएटिविटी, बिल्डिंग एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन, और चेकिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो अगर इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होगा तो डैट विल बी अ लिटिल बिट अट्रैक्टिव एंड इट विल अट्रैक्ट द रीडर्स टू स्टडी योर कंप्लीट पेपर बेसिकली। एंड देन इन लास्ट, उसकी एक लेंथ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लाइक हम इसके अंदर देख सकते हैं दो लाइंस पे मुश्तमिल है, इससे लंबा टॉपिक नहीं है, तो हमारा टॉपिक वाकई दो लाइंस या ढाई लाइंस के तक होना चाहिए, इससे लंबा टॉपिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रीडर को एट द टॉपिक फेज ही कन्फ्यूज़ कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टॉपिक की लेंथ को बचाने के लिए हम अपने टॉपिक को अनक्लियर छोड़ दें। ऑब्वियसली हमने उसको क्लैरिटी, हमारा प्राइमरी मोटिव है, क्लैरिटी लाजमी होनी चाहिए, लेकिन जितना उसको शॉर्टन किया जा सकता है हम उसको शॉर्टन करें ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए रिसर्च प्रोसेस के दौरान। तो एक अच्छा टॉपिक इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन एक लास्ट चीज़ ऐड करूँगा, फिफ्थ चीज़, नीचे स्पेस नहीं है तो लेट मी एड इट ऑन द टॉप। फिफ्थ चीज़ कि वो उसका कोई बेनिफिट भी हो। बेनिफिट किसको? दोनों चीज़ों को, एक्डीमिया को भी और किसी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री को भी, फील्ड को भी।
एकेडमिया को किस तरह का बेनिफिट हो सकता है कि वो आने वाले रिसर्चर्स को कोई गाइडिंग मैप प्रोवाइड करे, कोई एक बेस प्रोवाइड करे, कोई नया गैप प्रोवाइड करे, और बेनिफिट्स इंडस्ट्री को किस तरह से कि वो किसी इंडस्ट्री किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करे इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से, और उसको रिजॉल्व करने की तरफ कोई स्टेप ले। तो दीज मस्ट बी द बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स आपके रिसर्च टॉपिक के लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज जो रिसर्च इज़ यूजलेस। अगर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, अगर कोई उसका मकसद नहीं है, किसी को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा उससे, तो वाई वी आर कंडक्टिंग दैट डैम रिसर्च? सो उसका बेनिफिट लाजमी मौजूद होना चाहिए एक रिसर्च का। नाउ हमने देख लिया कि अच्छा टॉपिक क्या होता है, हमने इम्पोर्टेंस समझ ली, हमने उसके टॉपिक की डेफिनेशन भी समझ ली कि होता क्या, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ हाउ टू सेलेक्ट अ गुड रिसर्च टॉपिक, और इसके लिए क्या नाम है, हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं और हमने उन स्टेप्स से गुजरना होता है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब स्टेप और जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने लेट मी गिव इट द पेन, वो हमने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना होता है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम किस एरिया के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। अगर हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो हमारी स्टडी यूजलेस है, और क्या नाम है, हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम क्या होती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को लेकर हमने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं होता अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कौन सा, कि एक बैचलर्स की 42 कोर्सेज के दौरान और एक मास्टर्स के 24 कोर्सेज के दौरान मुझे कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है, मैंने कभी ये नहीं सोचा होता। और चूंकि हमने ये सोचते नहीं है तो हमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं होता, तो उसको मालूम करने का जो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पैटर्न है, हम आपको उसकी तरफ लेके जाएंगे ताकि आपको समझ आ सके उसकी प्रोसेस की। सो लेट मी हाइड दिस विंडो फॉर अ वाइल, वी मस्ट कम ऑन द गूगल, ऑन गूगल वी विल टाइप, फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं रिसर्च मार्केटिंग फील्ड के अंदर, तो वी लिखेंगे हम लिखेंगे रिसेंट रिसर्च टॉपिक्स इन मार्केटिंग 2016। हमारे पास कुछ रिसर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे और वहाँ से हम कुछ चीज़ों को तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले लिंक को ही ओपन कर लिया, सो लेट इट गिव मी सम आउटपुट। ओके मेरे पास कुछ टॉपिक्स आए, बट आई डोंट थिंक सो दैट दीज आर वेरी मच क्लियर टॉपिक, बिकॉज ओके दीज हैव द वर्ड्स लाइक डिसीजन टाइम, फिक्स एंड ट्रिम, प्रिडिक्ट एंड एक्ट, बट लेट मी गो टूवर्ड्स सम अदर रिसर्च। मैं किसी और चीज़ को प्रेस करता हूँ, 6 मार्केट रिसर्च ट्रेंड्स हैं जो कि 2016 के अंदर रहे हैं, दिस पेज इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल, टॉप 10 मार्केटिंग ट्रेंड दैट विल डिफाइन 2016। ओके कस्टमर एक्सपीरियंस मॉडल, ये हमारे पास एक टॉपिक हो सकता है, हमें देखना है कि क्या ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ब्लॉकर्स चेंज, मार्केट इन 3D, देन वी हैव द सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हमें एक टॉपिक नज़र आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। देन हमारे पास ओमनी चैनल ऑफ द रिटेल स्टोर, हमें इस चीज़ का एक नज़र आ रहा है। बिग डाटा फॉर मार्केटर्स, मोबाइल मार्केटिंग। सो द थिंग इज़, इस तरह की वेबसाइट को विजिट करके आप कोई अपने से इंटरेस्टिंग कोई मार्केटिंग की या अपनी रेलिवेंट फील्ड की कोई भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप चूज कर लेते हैं। उससे पहले आपको यह करना है, आपने अपने सुपरवाइजर की प्रोफाइल को विजिट करना है, आपने देखना है कि वहाँ पे उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, उनके पेपर ज़्यादा कहाँ पर पब्लिश हैं, उनकी ग्रिप किन रिसर्च मैटर्स में ज़्यादा है, और क्या नाम है उनके एरिया ऑफ स्टडी कौन कौन सा है, और फिर आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको मर्ज करके किसी एक यू कैन से यूनैनिमस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर पहुँचना है। ओके फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हैं और आपको कोई एक वेरी मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट द कस्टमर सेगमेंटेशन, आपको कस्टमर सेगमेंटेशन का एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने कस्टमर सेगमेंटेशन पे रिसर्च करनी है, देन नाउ हाउ टू फॉर्म योर टॉपिक बाय सिलेक्टिंग द कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन तो मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, लेकिन एक वेरिएबल ये मुकम्मल मेरा टॉपिक नहीं हो सकता, आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो इसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब हमें अचीव हो जाता है, जब हम मालूम कर लेते हैं, उसके बाद आगे रिसर्च टॉपिक किस तरह से डिसाइड करते हैं, इसके लिए काइंडली जो टॉपिक सिलेक्शन का सेशन 2 होगा वो देखिएगा।
Thank you so much for your watching. Kindly share this video as much as you can, because this will be helpful for all the mates around you. Thank you so much.